अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 10 के लास्ट दो न्यूमेरिकल्स 10.9 और 10.10 करने जा रहे हैं। सबसे पहले 10.9 को रीड आउट करते हैं। एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, यानी के रिपल टैंक की लंबाई कितनी है, लेंथ कितनी है या डिस्टेंस कितना है, हम कह सकते हैं एल या फिर एस इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। लेंथ का ऐसा यूनिट तो मीटर होता है, तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 80 को 100 पे डिवाइड करेंगे। 80 को 100 पे डिवाइड करें तो कितना आता है सर, 80 को 100 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 0.8 मीटर। नेक्स्ट, अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस, यानी कि फ्रीक्वेंसी कितनी पैदा होती है, उसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी दी गई है वो 5 हर्ट्ज। फाइव हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव्स हूज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर, जिसकी वेवलेंथ को किससे शो करते हैं, लैम्डा से सर। कितनी दी गई है, 40 मिलीमीटर। अब वेवलेंथ का ऐसा यूनिट भी मीटर होता है, तो ये मिलीमीटर में दिया है, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे। ये 40 लिखा और मिली की जगह पे कितना आता है, 1 मिली इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3। ये तो हमें पता ही नहीं था सर। अब देख लो, फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। हमने क्या मालूम करना है, टी मालूम करना है। अब देखिए यहां पे फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला जो लगेगा बेटा v इज इक्वल टू s ओवर t। 9th क्लास में हमने पढ़ा था स्पीड, डिस्टेंस पर जो वक्त लगता है उसको हम स्पीड कहते हैं, इधर भी हमने पहले किया। अब टी मालूम करना है तो यहां पे देखें, इसको रीअरेंज करते हैं तो टी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, वी के साथ मल्टीप्लाई, वी मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एस। टी मालूम करना है, टी एक साइड पर रह जाएगा, एस और वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बोलो, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके वी डिवाइड हो जाएगा। अब देखें, अब एस तो हमारे पास दिया है लेकिन वी नजर नहीं आ रहा, ये क्या कह दिया सर आपने। तो वी मालूम करने के लिए पहले हम वी मालूम करेंगे, वी मालूम करने के लिए फार्मूला लगाएंगे वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ हमारे पास दिया गया है, एफ दिया गया है सर, लैम्डा भी दिया गया है, तो एफ की जगह पे कितना वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, 5। एफ की जगह पे कितने वैल्यू पुट कर देंगे, 5। लैम्डा की जगह पे इसकी वैल्यू, लैम्डा कितना दिया गया, 40 × 10 की पावर -3। मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 कितना होता है, 5 × 4 = 20। ये 20 और ये 0 = 1 × 10 की पावर -3। अब 200 और ये 10 की पावर -3 है तो ये हो जाएगा 0.2। स्पीड हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.2। अब देखें, v हमारे पास आ चुका है, t इज इक्वल टू s ओवर v। s हमारे पास दिया गया था, v नहीं था, अब हमने निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दिया है किस में सर, t इज इक्वल टू s ओवर v। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करें, एस हमारे पास कितना है, एस है बेटा 0.8 और वी अभी हमने निकाला, वे कितना निकाल लिया है, 0.8 को 0.2 पे डिवाइड करो तो ये आंसर आ जाएगा बेटा 4। टाइम का ऐसा यूनिट कितना होता है, सेकंड, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 सेकंड। ये हमारे पास आ चुका है बेटा आंसर, जल्दी से नोट कर लें, जल्दी। ना कर मोहताज किसी का जमाने में, कमी कौन सी है या रब तेरे खजाने में। सुखिया रोटियां तो लो, लोहे तो लो, लैलन तो लो,
आलू छोले लो, जल्दी जल्दी नोट कर लें, जल्दी 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 हो गया नोट सर, रेस कर दे कर दे सर, स्क्रीन शॉट ले लिया करें इसका या वीडियो को वापस करके स्क्रीन शॉट ले लें। गरमंडे गरमंडे सब्दी बड़ी है सर, आंडे भेजो। तो करते हैं 10.10 वेरिकल 10 पॉइंट, इधर भी लिख देते हैं, इससे लिख देते हैं 10.10 वेरिकल। इसमें वो क्या कहता है, इंतहा आसान है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स, सबसे पहले उसने कह दिया कि व्हाट इज द वेवलेंथ, हमने क्या मालूम करनी है, वेवलेंथ मालूम करनी है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़, यानी के फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी दी है, एफ इज इक्वल टू 90 मेगाहर्ट्ज़, मेगा भी साथ उसमें लिख दिया है मेगा। वेयर 1 मेगा इज इक्वल टू 10 की पावर 6, यानी कि मेगा किसके इक्वल होता है, ये तो हमें पहले ही पता था, उसने आगे हमें बता भी दिया मेगा किसके इक्वल 10 की पावर 6 के, और एच जी साथ में वैसे का वैसे। एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज 3 × 10^8, और स्पीड कितनी दिया है, वे इज इक्वल टू 3 × 10^8, ये तो हमें पहले ही पता था, मीटर पर सेकंड, इसमें दिया है मीटर पर सेकंड। लैम्डा मालूम करना है बेटा, एफ भी दिया है वी भी दिया है, अब यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला पीछे वाला इंतहाई आसान, वे इक्वल टू एफ लैम्डा, वे इक्वल टू एफ लैम्डा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करो। अब देखो लैम्डा मालूम करना है, लैम्डा मालूम करना है, लैम्डा इधर रह जाएगा और एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, सिर्फ वैल्यू पुट करो वी की जगह पे, 3 × 10^8, 3 × 10^8, एफ की जगह पे 90 × 10^6 इक्वल टू लैम्डा, 3 × 18 = 9, 3 × 9 = 33, और ये हो जाएगा 30, 10^ ऊपर 8 है नीचे 10^6 है, तो ये 6 से 8 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगी, ऊपर बच जाएगी बेटा 10^2, ऊपर कितनी बच जाएगी 2, और नीचे कितना रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 30, नीचे कितना रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 30, 10^2 का मतलब 100 ही होता है, 100, 100 को 30 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर पे करके देख लें, कैलकुलेटर पे करके देख लें, 3.333, आगे ये चलता जाएगा चलता जाएगा, जितना मर्जी लगा लें। लैम्डा है वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ कैसा यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ कैसा यूनिट मीटर, यानी कि लैम्डा हमारे पास आ चुका है, लैम्डा कितना आ चुका है 3.33, आगे चलता जा रहा है, ये आ गया आंसर सर, जल्दी से नोट कर लो। हमारे चैप्टर 10 के मेडिकल कंप्लीट, इसी के साथ मुझे इजाजत दें, थैंक यू सो मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।